गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हमारा जो टारगेट है वो आज है वीडियो नंबर हम 4 लेके आए हैं बेटे। कौन सी वीडियो लेके आए हैं बेटा? वीडियो नंबर अब 4 हम लोग करेंगे। वीडियो नंबर जो 4 है हमारी वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीरीज में ही हम लोग कर रहे हैं बेटा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाली सीरीज में ही है। और आज का मेथड हमारा कौन सा है बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड है। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, मेथड का नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन में हम गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको बेटा 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का बेसिकली मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी हमारी फर्म एक्स्ट्रा कमाती है नॉर्मल लोगों से, यानी कि आपका जो बिजनेस है नॉर्मल लोगों से जितना ज़्यादा कमाता है वो सुपरमैन के कारण कमा रहा है। कहने का मतलब क्या होगा? सुपर प्रॉफिट है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी फर्म एक प्रोडक्ट बेच के 20 रुपये कमाती है और दूसरी फर्म जो कमाती है वो 15 रुपये कमाती है। एक कंपनी है जो आप प्रोडक्ट बेचते हो, मान लीजिए मोबाइल है, ये मोबाइल जो है, मैं जो एग्जांपल चेंज करता हूँ, इस मोबाइल को बेच के आपकी कंपनी 5 हज़ार रुपये कमाती है, लेकिन जो दूसरी कंपनियाँ हैं इसी मोबाइल को बेच करके कितना रुपये कमाती हैं? मैंने कितना बोला था इसको बेटा? 5 हज़ार रुपये। मान लीजिए 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं इस मोबाइल को बेच करके, ये मेरी कंपनी है, लेकिन दूसरी कंपनी इस मोबाइल को बेच करके जो प्रॉफिट कमाती है वो कितना कमाती है बेटे? मान लीजिए ये वो 4 हज़ार रुपये कमाती है। तो आपकी कंपनी कितने रुपये एक्स्ट्रा कमा रही है? 1 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाती है। वो कारण क्या है? क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट मेथड के कारण है, क्योंकि मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू है, यानी कि कुछ ना कुछ आपने एक्स्ट्रा आप में है, इसी कारण से आपका प्रॉफिट 1 हज़ार रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब जो नॉर्मल फर्म से प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। इस वाले मेथड में आपके बेटे 4 स्टेप्स आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो हमारा पहले की तरह ही है, जिसके अंदर की हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? पहले 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसके अंदर में हम लोग पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे, और उसके बाद हमारा क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट। तो मैं यहाँ सीधा स्टेप 1 लिख रहा हूँ बेटा। यहाँ पे स्टेप 1 में मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, मैंने क्या कैलकुलेट करूँगा? मैं पहले मैं कैलकुलेट करूँगा, कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे क्या बेटा? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, वो आज मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? कैलकुलेट करेंगे बेटा क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट? हाँ जी बेटा, मैंने क्या वर्ड बोला है यहाँ, मैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा। और नॉर्मल प्रॉफिट मैं कैसे निकालता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, यानी कि जो नॉर्मली दुनिया कमाती है प्रॉफिट, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी बेटा, मैंने क्या बोला? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आज के बाद इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, हम बोलेंगे क्या? NRR। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करके। वो क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आएंगे बेटे। स्टेप 3 में क्या करेंगे? स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, या लिखेंगे आप कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्या? सुपर प्रॉफिट करेंगे। क्या? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला क्या होगा? आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला स्टेप 1 में, उस एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 में इंतजार करेंगे हम लोग इसका, कैलकुलेट करेंगे क्या? एज यूजल जो हमारा मेन टारगेट है, कैलकुलेट करेंगे क्या हम लोग? गुडविल। और गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल निकालने का तरीका वही है जो आपका सुपर प्रॉफिट आया है, इनटू क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी कि जितने साल के लिए इस प्रॉफिट को आप क्या करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। कैलकुलेट करेंगे गुडविल, सुपर प्रॉफिट जो निकल के आया है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला होगा गुडविल निकालने का। इस पूरी कहानी के अंदर मैं आपको जो चीज़ समझनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लाउड्स के थ्रू मैं वो क्लियर करूँगा आपको। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी है, ये जो मैंने आपको क्या बनाया है, क्लाउड्स बनाए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप क्या है बेटा? एवरेज प्रॉफिट। दूसरा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरे स्टेप में क्या करूँगा मैं? सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, यानी कि मैं दूसरों से कितना जमा कमाता हूँ और उसको मैं जितने ईयर के लिए मेंटेन करना चाहता हूँ उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरी झगड़ा यहाँ पे किसका रह गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस में मैंने पैसा लगाया उसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मेरे पास तरीके बेटे 2 होते हैं। एक तो तरीका क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो बिजनेस में पैसा लगाए, इसके अंदर में क्या करते हैं, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आ जाएंगी, जितने भी पार्टनर्स आपके बिजनेस में हैं उनकी क्या आ जाएगी, कैपिटल्स का टोटल आ जाएगा। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस अगर कोई अगर आपके पास रिजर्व है वो आ जाएगा, या आपके प्रॉफिट्स हैं। रिजर्व का मतलब ऐसे प्रॉफिट ही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम और स्पेसिफिक ले देते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा।
माइनस क्या लिखेंगे बेटा, लॉस लिख देंगे। एक ये फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। एक फॉर्मूला और भी हम लोग करते हैं, वो भी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का। देसी भाषा में कहूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कितनी बिजनेस के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसका फॉर्मूला होता है बेटे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस क्या करते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटीज़। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी का मतलब जो बाहर का पैसा हमें देना होता है, आउटसाइडर। हाँ जी बेटा, आउटसाइडर लाइबिलिटी। ये दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। किसके फॉर्मूले बताए बेटे मैंने आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के फॉर्मूले। क्या लिखे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के फॉर्मूले, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे बेटे लॉसेस, या दूसरा फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला भी बहुत काम हमारे आने वाला है। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो सीधा मारे हैं एग्जांपल नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर आएंगे बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 10 को हम करेंगे। 4 से 5 इलस्ट्रेशन करने का मेरा वादा है बेटा आपसे यहाँ पे, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएँ कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में बेटा सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, मैं 10 आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कैसे करेंगे यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर में क्या करना है आपको, आपको फॉर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है बेटा ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, कितना कितना प्रॉफिट आपको दिया हुआ है पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। आपको ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में लिखा हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखे 18,000 20,000 और 22,000, 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है मुझे, इससे मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आपको एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताया था, इन तीनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। मैं करके दिखाऊंगा बेटा क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा हमारे पास ये। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है फर्म की, 60,000 है, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि बिजनेस के अंदर में हमने कितना पैसा लगाया हुआ है, वो कितना पैसा लगाया हुआ है 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर में नॉर्मली हम कितना कमाते हैं पैसा लगा के, इतना वो कहलाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न होता है जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग कमाते हैं। फॉर एग्जांपल दुनिया 10% कमाती है, मैं कितना परसेंट कमा रहा हूँ, 12% कमा रहा हूँ, कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ भैया, 2% ज़्यादा कमा रहा हूँ। क्यों कमा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में मेरी गुडविल है, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग टू चलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मेरा बच्चा, 10% है। चाहता क्या है क्वेश्चन, चाहता है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन दी बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो आपको लकी नंबर यहाँ दे रखा है ऑन दी बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पे। यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से मुझे गुडविल निकालनी है। मेरा सवाल है मैजिक नंबर कितना है, आप कहेंगे सर मैजिक नंबर कितना है, यहाँ मैजिक नंबर यहाँ 3 दे रखा है। तो कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के अंदर में, मैं आपको बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर हम 10 कर रहे हैं बेटा बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम कर रहे हैं और ये पेज नंबर है 3.16 पे। पहला स्टेप मैं याद कराना चाहता हूँ, पहला स्टेप मेरा क्या था, कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। तो कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, तो सीधा लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को हम प्लस कर लेते हैं। यानी कैसे करें हम लोग, ये प्रॉफिट आपको दे रखा है, आपको 18,000 प्लस कितना देखा बेटा, यस 20,000 है बेटा, ये कितना है 18,000 प्लस 20,000 प्लस कितना दे रखा है आपको, फिर आपको 22,000 दे रखा है। तो उस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेंगे 22,000। ये आ गया 60,000 डिवाइड बाय 3 करा, ये मेरा 20,000 आ गया। ये क्या कैलकुलेट किया गया है, एवरेज प्रॉफिट। अब मैं क्या निकालूंगा, स्टेप 2 जो है, ये मेरा स्टेप 1 था, अब मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे काम करूँगा। स्टेप 2 के अंदर क्या करूँगा, मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, उसका फॉर्मूला बताया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना बिजनेस में पैसा लगाया मैंने। आप कहेंगे सर पैसा आपने लगाया यहाँ 60,000, 60,000 का आपने निकाला कितना, 10% 6,000, यानी कि दुनिया कितना कमाती है 6,000, मैंने कितना कमाया 20,000। क्यों ज़्यादा कमाया, क्योंकि मेरा क्या है मार्केट में सुपर प्रॉफिट है। तो यहाँ मैं आऊँगा स्टेप नंबर 3 पे आऊँगा, ये मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 20,000 माइनस 6,000, क्योंकि आपको बताया है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरी मलाई कितनी हुई, 14,000 हुई। अब मैं क्या करूँगा स्टेप 4 में, आप स्टेप ना भी लिखे तो भी काम चलेगा। अब सीधा मैं क्या निकाल दूंगा, गुडविल निकाल दूंगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या था बेटा, सुपर प्रॉफिट इंटू मैजिक नंबर। मैजिक नंबर आपको पहले ही बता रखा है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपको इस सवाल में नंबर ऑफ परचेज कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर यहाँ हमें दे रखा है कितना बेटा, 3 दे रखा है। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी फर्म की, 42,000 रुपीज़ हमारी बेटा गुडविल आ जाएगी। चलिए आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आएंगे।
इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11, साथ में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी है, वो भी हम लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक जी हैं और आकाश जी हैं पार्टनर एक फर्म में, फर्म का नाम है मैसर्स, एमएस का मतलब मैसर्स होता है, मेगा एंटरप्राइजेस। यहाँ हमारे पास आशीष जी आना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2020 से पार्टनरशिप आना चाहते हैं। दे एग्री टू वैल्यू द गुडविल एट 3 ईयर परचेज, फिर से मैजिक नंबर आ गया है 3, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड का नाम हम पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं अगर आपका हो तो, तुम्हारे पास ये सुपर प्रॉफिट है मेथड में, फॉर दे डिसाइडेड टू टेक द एवरेज ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट दे रखें लास्ट ईयर के, आपको 16 का आपको दे रखा है, 17, 18, 19, 20 का आपको क्या दे रखा, प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपीज़, लेकिन बताया इंक्लूडिंग गेन 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ एक्सेस, खुद ही क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। 17 का प्रॉफिट है आपको कितना दे रखा है बेटा, 1,70,000, ये कितना आप नॉर्मल लॉस दे रखा है आपको 50,000 रुपये, ये क्या कर देंगे आप सर प्लस कर देंगे, और इसके बाद आपको 2,10,000, 2,30,000 दिया हुआ है, और आपको कितना दे रखा है 2,50,000 दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन में बता रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है फर्म की, फर्म ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, 15 लाख रुपये लगाया है, नॉर्मल रेट ऑफ कितना है 10% है, चाहते क्या है गुडविल की वैल्यू। इस क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं हम लोग, यानी कि पहले करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा आपको, प्रॉफिट्स को भी क्या करना होगा यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, वो हम लोग करके दिखाएंगे आपको। यानी क्या करने वाले हैं बेटा इसके अंदर हम लोग, यानी कि हम लोग 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, पहले तो हमारा स्टेप था एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो 2 लाख का प्रॉफिट जो है पहले 25,000 इसमें से क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि पहला स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैं कर रहा हूँ बेटे कैलकुलेट कर रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, मुझे 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पे, मैं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा जल्दी में भी कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ ऐसा लिख लेता हूँ बेटा मैं आसानी से, 2 लाख माइनस कितना कर लेते हैं यहाँ पे 25,000 रुपये, थोड़ा टाइम बचा पाएंगे हम लोग। प्लस मैंने क्या करा एडजस्टमेंट करते समय, यहाँ मैंने लिखा 1,70,000, माइनस लिखा मैंने 50,000, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स को मुझे क्या करना है यहाँ पे एडजस्ट करना है, बाकी क्या करूँगा मैं, बाकी 3 साल के प्रॉफिट और आ जाएंगे, उनमें कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, 2,10,000 है, फिर कितना है बेटा मेरा 2,30,000 है, फिर मेरा कितना दे रखा है बेटा, फिर मेरा देखा 2,50,000 है। अब इन सबको प्लस करके मैं डिवाइड बाय कितना कर दूंगा बेटा, यहाँ 5 कर दूंगा, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ये आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। ये सब करने के बाद आपका आ गया 10,85,000 डिवाइडेड बाय मैंने 5 किया, ये आ जाएगा 2,17,000, इतना आप कर पाएंगे 2,17,000। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। आप कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, आपको नीचे क्वेश्चन में दे रखी थी 15 लाख रुपये दे रखी थी, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, 15 लाख इंटू कितना करेंगे बेटा, यहाँ 10% कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 1,50,000 आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा मेरा। अब मुझे क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, वो मेरा होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं कितना कमाता हूँ 2,17,000, लेकिन दुनिया कितना कमाती है 1,50,000, मैंने कितना रुपए एक्स्ट्रा कमाया, आप कहेंगे 67,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाया, क्यों कमाया भैया, गुडविल है, गुडविल निकालने के लिए अब इसको मैजिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप सभी लोगों से डिस्कस हुआ मैजिक नंबर कितना है पे 3 है, तो मेरी कितनी गुडविल आ जाएगी बेटा, यहाँ पे मेरी गुडविल आ जाएगी 2,01,000 मेरी गुडविल आ जाएगी। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हुए बेटा, ठीक है इलस्ट्रेशन नंबर 12 को देखते हैं, बहुत आसान सा मेथड है वाला भी, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है और ये पेज नंबर 3.17 पे ही हम लोग करेंगे आगे कंटिन्यू। यहाँ पे बेटा 3.17 पे आप देखेंगे बेटा कैसे करेंगे, ये देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर है 12, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा है, एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा, हम देखते हैं हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट है, होम डिपार्टमेंट है हमारा, होम डिपो है, एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है बेटा 54,000 है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, एवरेज से घबराना नहीं है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही है आपको कितना दे रखा है 3 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्लास बिजनेस 10%, यानी कि दुनिया कितना कमाती है यहाँ 10% कमाती है, रेमुनरेशन कितना है पार्टनर का बेटे 9,000 रुपये पर एनम है, 9,000 रुपये क्या दे रखा है यहाँ पे रेमुनरेशन हमें दिया हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आपको दी गई थी। अब मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को वो मैं बताता हूँ आपको, यानी कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरा देखो एवरेज प्रॉफिट उन्होंने खुद कैलकुलेट करके दे रखा है, मुझे कितना दिया एवरेज प्रॉफिट 54,000 दे रखा है, मुझे कितना दे रखा है बेटा 54,000, और मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा 3 लाख रुपये की मेरी क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैसे करेंगे बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट क्लोज यहाँ भी दे रखा है उन्होंने, पार्टनर रेमुनरेशन डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ द वैल्यू ऑफ देयर सर्विसेज टू द फर्म फॉर हैंडलिंग द सर्विसेज, यानी कि ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे,
कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, इसको कंसीडर किया है। मैं अपने तरीके से इसको करा देता हूँ। आप मान के चलिए यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटे, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा 54,000। 54,000 का एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे रेमुनरेशन पार्टनर की कितनी एस्टिमेटेड है बेटा, यहाँ 9,000 रुपये की हमारी रेमुनरेशन एक्सपेक्टेड है। तो आप एक काम कर लीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट आप एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ से 9,000 रुपये माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, 45,000 आ जाएगा। यानी कि रेमुनरेशन रह गई थी एक तरह से हमारे प्रॉफिट को कंप्यूट करने में, वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करिए कंसिडर कर ली। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, यहाँ 45,000। दोबारा बताता हूँ, रेमुनरेशन का मतलब तनख्वाह है, सैलरी है। हमें मान के चल रहे हैं कि जो हमारा फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 54,000 का दे रखा था, लेकिन वहाँ पर अभी एक रेमुनरेशन का क्लॉज रह गया था, वो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा, आप कहेंगे सर यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 3 लाख रुपए, मैं कितना परसेंट कमाता हूँ, 10% कमाता हूँ, तो ये कितना आ गया मेरा, 30,000 रुपये आ गया बेटा, कितना आ गया, 30,000 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, वो मालूम है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 45,000 माइनस 30,000 है, ये 15,000 का मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल निकालने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं एक लकी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँगा, लकी नंबर 2 दे रखा है, तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, 30,000 मेरी फर्म की गुडविल यहाँ पर आ जाएगी बेटा। अब मैं आऊँगा बिना रुके रजिस्ट्रेशन नंबर 13 पे आऊँगा बेटा, यहाँ पे 13 रजिस्ट्रेशन भी हम लोग क्या करेंगे बेटा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आया हुआ था बेटे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में आया था, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे है तो आसान सा क्वेश्चन ये भी। यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटे, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फॉर्म कितना दे रखा है बेटा आपको, 75,000 का आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ पे छोटी सी एडजस्टमेंट है वो समझनी है बेटा, इंक्लूडिंग ओवर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹5,000, कितना रुपये का आपको दे रखा है बेटा, यहाँ पे आपको दे रखा है अंडर वैल्यूशन स्टॉक का, स्टॉक आपका क्या था कम दिखा रखा था, तो ठीक करने के लिए हम स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अंडर वैल्यूशन स्टॉक कितना है, 5,000 रुपये का है ऑन एवरेज बेसिस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7 लाख रुपए की हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, 7% का हम लोग रिटर्न कमाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, जो पॉइंट हमें कंसिडर करना है वो 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट है। मेरा सवाल है आपका, तो हमारा पहला काम था एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेटा यहाँ पे, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है इस क्वेश्चन को, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। पहले मैंने क्या निकाला, देखो यहाँ पे इन्होंने भी क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे अंडर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक है तो क्या करेंगे इसको बेटा, हम प्लस कर देंगे ताकि हमारा एक्यूरेट एवरेज प्रॉफिट आ जाए यहाँ। तो यानी कितना आ गया मेरा बेटा, 80,000 रुपीज़ का मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया है। अब मैं क्या निकालूंगा स्टेप में, नॉर्मल प्रॉफिट, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा, 7 लाख है, रिटर्न कितना परसेंट है, 7% है, 7 लाख का 7% निकाला, कितना आ गया बेटा, 49,000 आ गया। 49,000 आने के बाद अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, वो मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है, ये 80,000 था, इसमें से मैं 49,000 माइनस करता हूँ, ये 31,000 आ गया। और इसको मैं, ये क्या कहलाता है बेटा, हमारा मैजिक नंबर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी गुडविल आ जाएगी 1,55,000। यानी कि अंडर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक डिक्रीज नेट प्रॉफिट हैज इट इज़ एडेड, इसलिए हमने इसको ऐड किया हम लोगों ने। ऐसे इलस्ट्रेशन नंबर 14 था, दूसरे सेट में आया हुआ था उस साल ही बेटा। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,50,000 है, विच इंक्लूड ओवर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक। तो बेटा ओवर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रखे होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे मैंने क्या किया था उसको बेटा, आपको याद होगा प्लस किया था। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, 14 लाख रुपए की है, ये मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, 15% है, आपको गुडविल चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा, 2,50,000 है मेरा, और ये ओवर वैल्यूएशन स्टॉक कितना है, 10,000 है, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, ये 10,000 को मैं माइनस कर दूंगा, ये 2,40 आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी थी, 14 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है, 2 लाख, 10,000 आ जाएगा, 2,40 में से 2,10 माइनस करूँगा, ये मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको लकी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी गुडविल आ जाएगी। बेटा एक्चुअल में बताऊँ, ये चैप्टर बहुत ही हमारे लिए आसान है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये मैं ज़रूर कराऊँगा आपको बेटे, पहले पढ़ लेते हैं, ये मैं लिख के करके दिखाऊँगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे, कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि गुडविल ही पूछी जाए, इस बार गुडविल दे दी है इन्होंने, बड़े चालाक लोग हैं। 2019 में फर्म के पास एसेट से 3 लाख रुपए गए, उसमें कैश भी इंक्लूड था, ठीक है, एसेट में तो कैश तो इंक्लूड हो गया होगा, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कितना है बेटा,
2 लाख रुपए, बाकी क्या चीज़ें हैं, रिजर्व है, यानी बाकी क्या है, रिजर्व है। बाकी का रिजर्व का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास, आपको बताया था मैंने फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, अभी करेंगे। चलो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, यहाँ पे आपको 10% की कमाई होती है नॉर्मली आपको, और आपको बताया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख रुपए, यानी कि फर्म की गुडविल आपको दे रखी है। और लक्की नंबर कितना है यहाँ पे, 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, यानी कि हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाला है। ये एक बार सैम्पल पेपर में दे रखा था सीबीएसई के में, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मुझे मालूम ही नहीं है, मैं काम करना शुरू करता हूँ। यहाँ समझने वाली बात थी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला बताया था, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। टोटल एसेट है 3 लाख की हैं, आउटसाइड लायबिलिटी नहीं दे रखी है, तो 3 लाख ही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला था कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल यहाँ पे 2 लाख की दे रखी है, कैपिटल 2 लाख की दे रखी है, इसका मतलब रिजर्व का अमाउंट 1 लाख होगा। वैसे हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 10%। चलिए जी करने की कोशिश करते हैं। लिस्ट में 13 है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया मेरा। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 है। मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, आप कहेंगे सर वो तो 3 लाख रुपये है, आसानी से कैलकुलेट हो गई थी। 3 लाख का कितना परसेंट निकालूंगा मैं, आप कहेंगे सर 10%। इनका करने का और हमारा करने की अप्रोच फ़र्क हो सकती है, लेकिन दोनों की मंजिलें हमारी एक है, ग्रेवाल सर और अग्रवाल सर की। यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है एक्स, नॉर्मल प्रॉफिट कितना था आपका, आप कहेंगे सर 30,000 था, यानी कि मेरा ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अगले स्टेप में मेरे को क्या निकालनी थी सर, गुडविल निकालनी थी, और गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, यानी कि सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी है बेटा मुझे, और आप पढ़ के बताएं गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी थी। गुडविल की वैल्यू यहाँ पे 2 लाख रुपए दे रखी है मुझे, तो यहाँ 2 लाख रुपए लिखेंगे। सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरा, एक्स माइनस का 30,000 आया है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था 4 दे रखा था। आप कहेंगे सर ये तो मैथ्स का तो सवाल लग रहा है, हाँ जी कुछ हद तक मैथ्स ही हो गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 लाख इसको 4 को डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाई 4, एक्स माइनस का कितना 30,000, ये कितना आ जाएगा बेटा 50,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 30,000, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 80,000 रुपीज़ आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 80,000 आने का मतलब क्या है, यहाँ मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, ये मेरा क्या निकल के आ गया है, हाँ जी बेटा मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई है। छोटी सी चीज़ और डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक इलस्ट्रेशन और बनता है वो और हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो है इलस्ट्रेशन नंबर बेटा हमारा, ये 13 नहीं था, ये इलस्ट्रेशन मैं करेक्ट कर देता हूँ, जो भी हम लोगों ने करा है, ये मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 15 था बेटा, क्योंकि 13 और 14 तो हम लोगों ने ऑरली कर लिए थे। एक इलस्ट्रेशन और है इसी कंसेप्ट के ऊपर है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 16 आएगा बेटा हमारा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 16 में सॉल्व करूँगा, देखते हैं ज़रा। पहले पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 की क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हाई टेक लिमिटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का मैंने कवर करने की कोशिश हम लोगों ने की है इस वीडियो में भी। आपको हाई टेक लिमिटेड है, एसेट्स कितने के हैं, 5 लाख रुपए के हैं, लाइबिलिटीज़ और वेयर लाइबिलिटीज़ कितनी है पार्टनर्स की, वेयर लाइबिलिटीज़ आर पार्टनर्स कैपिटल है 3,50,000 की हैं, और रिजर्व आपको दे रखा है 60,000 रुपये का, सन्ट्री क्राइटेरिया 90,000 के, यही आउटसाइड क्राइटर कहलाते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, 10% है, गुडविल फर्म की कितनी है 90,000 है, और 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बिल्कुल सेम तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ जो समझने वाली बात थी वो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए थी। कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 अप्रोचेज हमारे पास हैं, आज हम दोनों अप्रोचेज को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। एसेट्स कितने हैं, आप कहेंगे 5 लाख, कैपिटल कितनी है 3,50,000 है, रिजर्व कितना है 60,000 है, क्राइटेरिया कितने हैं 90,000 है। तो पहले तो मेरा काम क्या होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने डेटा अरेंज कर लीजिए। मैं 16 क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ बेटा, ये 16 क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। आप कहेंगे सर एवरेज प्रॉफिट तो निकालना था, मैंने एक्स मान लिया। अब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ही झगड़ा है, 2 फॉर्मूले लिखे मैंने। मैंने एक लिखा आपका कैपिटल प्लस, मैंने रिजर्व लिखा फॉर्मूले के अंदर में, और मेरी कैपिटल कितनी दे रखी आपने क्वेश्चन में पढ़ा हो, 3,50,000 है, और यहाँ पे आपने देखा हो तो रिजर्व का अमाउंट आपको दे रखा था बेटे 60,000, यानी कि मेरे पास कितना आ जाता है, इसको दोनों को टोटल करता हूँ तो बेटा अमाउंट आता है 4,10,000। मेरे पास एक तरीका और भी है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, वो है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स मुझे कितनी दे रखी थी यहाँ पे, आप कहेंगे सर 5 लाख रुपए की दे रखी थी, तो 5 लाख में क्या करेंगे हम लोग, ये आउटसाइड लायबिलिटीज जो क्रेडिटर हैं
क्रेडिटर को आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कहते हैं, माइनस कर लेते हैं 4,10,000, यानी कि दोनों अप्रोच से आंसर आपका सेम आया है। ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है जो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना था। OL स्टैंड फॉर आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब मैं अपना नेट प्रॉफिट आसानी से निकाल सकता हूँ, 4,10,000 है। रेट ऑफ रिटर्न मुझे कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान दें तो 10% दे रखा है। इसका मतलब ये मेरा आ गया कैलकुलेट होके 82,000 आ गया। नहीं, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 82,000 नहीं, ये आएगा हमारा कितना बेटा, 41,000 आएगा। हमने 20% के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेशन भी हमारी सही होनी चाहिए। ये स्टेप टू आ गया, ये स्टेप वन था। स्टेप थ्री में मेरा सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। आप कहते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट मुझे कितना दिया हुआ बेटा, यहाँ एवरेज प्रॉफिट मुझे दिया है यहाँ पे एक्स है, ये मेरा कितना आया है नॉर्मल प्रॉफिट, 41,000 है। अब स्टेप फोर में मेरे पास गुडविल का फार्मूला आता है। गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब देखिए गुडविल कितनी है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू आपको ऑलरेडी 90,000 दे रखी है और सुपर प्रॉफिट आया एक्स माइनस 41,000। लक्की नंबर आपने देखा हो तो इस क्वेश्चन में लक्की नंबर आपको 2 दे रखा है, तो यानी कि मैं सॉल्व करता हूँ उसको, ये कितना आ जाएगा मेरा 90,000 डिवाइड बाई 2, तो ये तो 45,000। एक्स माइनस 41,000, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहाँ पे 86,000 आ जाती है। और एक्स ही मेरा क्या था बेटा, आपको पता होगा ये मेरा क्या था बेटा, यहाँ एवरेज प्रॉफिट था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया है। अगली वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए वीडियो नंबर 5 में कैपिटलाइजेशन मेथड लेके आएंगे, और एक कैपिटलाइजेशन भी दो तरह के होंगे, वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।